हाय फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग अपने यूट्यूब अकाउंट को गूगल एड अकाउंट से लिंक करने का तरीका देखेंगे उसके लिए देखिए आपको यहाँ एक वीडियो अपलोड करते ही आपको यहाँ देखिए इस तरह दिखाई देगा लिंक माय अकाउंट इस तरह दिखाई देगा कब दिखाई देगा आपके यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर कर उसके उसमें मोनिटाइजेशन इनेबल करने के बाद इस तरह दिखाई देगा आप अगर आप यहाँ नहीं देख पाते हो तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो कहाँ पर मोनिटाइजेशन पर जाकर यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हाउ वीलाई बी पेड़ है ना यहाँ पर क्लिक करके भी आप यहाँ लिंक कर सकते हो ठीक है तो देखिए आपको यहाँ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना लिंक माय अकाउंट इस पर क्लिक करते हैं ठीक है ठीके? लिंक माय अकाउंट पर क्लिक करते ही आपको देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा गूगल दूसरे यूट्यूब का विंडो दूसरे विंडो पर चला जाएगा आपको यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है रहने से देखिए आप यहाँ साइन इन पर क्लिक कर दीजिए वरना दूसरा अकाउंट बना लीजिए तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है तो मैं इसको साइन इन पर क्लिक करता हूँ ठीक है इसको साइन इन पर क्लिक करने के बाद हम हम उन दोनों को लिंक करते हैं ठीक है साइन इन पर क्लिक कर दिए करने के बाद करना क्या होगा यहाँ देखिए लॉग इन विथ करंट अकाउंट या क्रिएट आर यूज अनदर अकाउंट मेरे पास इस अकाउंट इस ई मेल से नहीं है तो मैं दूसरे ई मेल से इसको लिंक करना चाहता हूँ यानी दूसरे एडसेंस अकाउंट के साथ इस यूट्यूब के अकाउंट को लिंक करना चाहता हूँ तो क्रिएट आर यूज़ अनदर अकाउंट पर क्लिक करता हूँ अगर आपके पास य, य, यही अकाउंट से है तो लॉग इन विद करंट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए ठीक है करने के बाद देखिए आपको यहाँ साइन इन पर क्लिक करना है साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ई मेल एड्रेस ई मेल अकाउंट देना है तो उसके लिए देखिए साइन आउट एंड साइन इन विद डिफरेंट यूजर पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद आप अपना जो ई मेल आई डी है ना एडसेंस अकाउंट वाला उस ई मेल आई डी से लॉग इन हो जाइए मैं यहाँ लॉग इन होता हूँ देखिए लॉगिन होने के बाद मुझको यहाँ एक लिंक दिखाई देगा और एक्सेप्ट पर क्लिक करने के लिए कहेगा और मैं उस लिंक को क्लिक करता हूँ और एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ देखिए एक्सेप्ट एसोसिएशन है ना इस पर क्लिक करना होगा इस इस पर क्लिक करते ही देखिए आपका जो यूट्यूब का अकाउंट है और गूगल एडसेंट्स का अकाउंट है ना वो दो लिंक लिंकअप हो जाएंगे इस तरह ठीक है आपको बाद में यहाँ नेक्स्ट प्रेस करना है ठीक है नेक्स्ट प्रेस करके दोबारा से आपको वही ई e एड्रेस से लॉगिन होना है देखिए मैं लॉग इन हो चुका हूँ पुराने ई एड्रेस में और देखिए मैं यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते ही मेरा मॉनिटाइजेशन अकाउंट उससे एसोसिएट हो जाएगा वो तो आपको कहाँ दिखाई देगा आपको यहाँ ऊपर क्लिक करने से देखिए आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करने से दिखाई देगा अदर अकाउंट्स यहाँ पर दिखाई देगा ठीक है इस तरह आप uh, दो डिफरेंट ईमेल एड्रेस को लिंकअप कर सकते हो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिए फेसबुक के जरिए ट्विटर के जरिए गूगल प्लस के जरिए इस वीडियो को शेयर करिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए थैंक यू